लेक्चर में हमें बात करनी है एंथैल्पी की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन के फॉर्म में हम एंथैल्पी को पढ़ेंगे। देखें, पिछली बार जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आया था, जिसमें कि एक नया टर्म डिफाइन हुआ था, इंटरनल एनर्जी और ये है हीट और ये है वर्क, चेंज इन हीट चेंज इन वर्क। ये दोनों पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, इनएग्जैक्ट है तो क्रॉस है, और ये स्टेट फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ क्रॉस नहीं है। अच्छा, जो हमारा साइन रूल था वर्क के लिए, साइन रूल फॉर वर्क के लिए, वहाँ हमने माना था कि जो डी डब्ल्यू है इट इज़ इक्वल टू माइनस पी डी वी। ओके, सो ये माइनस साइन जो एक्सपेंशन के लिए था और प्लस साइन कंप्रेशन के लिए था, वो सारा इसके अंदर इंक्लूड है। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा भूला हुआ लग रहा है तो आप पीछे की वीडियो में जा कर के इसको देख सकते हैं। तो अब इस हिसाब से हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्यू माइनस पी डी वी। अब अगर हम मान लें कि एक कोई प्रोसेस चल रहा है, जिस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन यू है, वो है मान लीजिए यू वन से लेकर के यू टू तक, और वॉल्यूम में जो चेंज है वो हो रहा है वी वन से लेकर के वी टू तक, जबकि पी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये हम कांस्टेंट रखा, इसको हम अलग से मेंटेन कर देते हैं। तो अगर हम कहें कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है और चेंज हो रहे हैं वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखने का तरीका ये है कि आप इंटरनल एनर्जी को यू वन से लेकर के यू टू तक इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है, डी क्यू भी यहाँ पर है, चूँकि एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट फंक्शन है तो मैं लिमिट तो मालूम नहीं होगी, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम है वी वन वी टू डी वी, तो ये हो गया यू, इसको कैसे लिखें, यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेशन है, और मान ले प्रेशर है तो पी, सपोज यहाँ पे पी पहले, पी जस्ट फॉर कि प्रेशर कांस्टेंट मान लिया, पी वी टू माइनस वी वन। तो अब यहाँ से हम क्यू पी डिफाइन कर सकते हैं, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर से यू टू माइनस, या इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो पी वी टू माइनस यू वन, ये U है, यू वी जैसा दिख रहा है, प्लस पी वी वन, तो इसको ऐसे लिखे यू टू प्लस पी वी टू माइनस यू वन प्लस पी वी वन। अब ये जो क्वांटिटी हैं इसको ज़रा हम एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पर अब आप ले सकते हैं, मान लीजिए लेट एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, इसको डिफाइन करें, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू पी बराबर एच टू माइनस एच वन, तो क्यू पी हो गया डेल्टा एच। सो ये है कि इक्वेशन वैलिड इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर टू कह दें, तो इक्वेशन टू से हम एक टर्म यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं एंथैल्पी। तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि अगर हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है और कांस्टेंट प्रेशर पर उस पर कांस्टेंट प्रेशर पर वो क्यू पी हीट एब्जॉर्व कर रहा है, तो ये जो क्यू पी हीट होगी वो उसकी एंट्रोपी के चेंज के बराबर होगी। अब कांस्टेंट प्रेशर ऐसी कंडीशन है जो फिजिकली ज़्यादा पॉसिबल होती है, फिजिकली इस कंडीशन को हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए एंथैल्पी एक ऐसा टर्म डिफाइन होता है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। अब एंथैल्पी जो है वो एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि U और V, क्योंकि आप देखो इस फार्मूले से देखो U और V ये दोनों ही एक्सटेंशन पर डिपेंड करती हैं, तो H भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अगर मान लें कि हम इसी ऑब्जर्वेशन को कांस्टेंट वॉल्यूम पर करें,
अगर इसको आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करेंगे तो देखें इस फॉर्मूले में क्या होगा, यहाँ से हमें इसका एक एविडेंस मिलेगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसी को देखें यहाँ से, तो ये हो जाएगा यू टू माइनस यू वन, और यहाँ से अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो क्यू वी कर दें प्लस पी, और ये है वी टू माइनस वी वन। देखें ये इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। अब क्योंकि हमने माना है कि V1 V2 सेम है तो ये सेम हो जाएंगे, तो उस समय ये जीरो हो जाएगा, तो उस समय क्यू वी बराबर हो जाएगा डेल्टा यू। इन दोनों को देखो, ये दोनों ही एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। ये कह रहा है अगर हमारा एक क्लोज सिस्टम है और कांस्टेंट प्रेशर पर उसमें जो भी हीट अब्जॉर्ब होगी वो उसके एंट्रोपी के एंथैल्पी के चेंज के बराबर होगी, और यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है उस दौरान किसी सिस्टम के द्वारा जो भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो उसके इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगी। तो ये दोनों ही क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हैं, और थर्मोकेमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंथैल्पी, एंड इस तरह से आपने देखा कैसे एंथैल्पी कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। सो आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म डिफाइन करेंगे, जैसे हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, रिस्पांस फंक्शन है। रिस्पांस फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं, अब वहाँ पे जब हम स्पेसिफिक हीट में सीपी और सीवी डिफाइन करेंगे तो आपको एक बार दिखाएंगे कि एक रिलेशन होता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम टी वन। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा रिलेशन है जिसको हम आगे प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू।